अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं अर्निंग्स के बारे में, कि ऑनलाइन कैसे अर्निंग करनी चाहिए, ऑफलाइन कैसे अर्निंग करनी चाहिए, और उसके अलावा जैसे कि बिजनेसेस हैं उनके आइडियाज, नए नए आइडियाज, कौन कौन से बिजनेस, पैसिव बिजनेस, जैसे कि पैसिव इनकम होती है, वैसे ही पैसिव बिजनेस भी होते हैं, यहाँ से पैसिव इनकम बनती है हमारी, वो कोई ऑफलाइन बिजनेस भी होते हैं वैसे ही। और मेरा एक जो रियल एस्टेट कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया, वो मैंने डाल दिया वहाँ पे, वो भी देख लीजिए। अच्छा, जो आज हम बिजनेस की जो बात कर रहे हैं ना, वो है, इसको आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, हाफ बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या कहते हैं कि लेबर वर्क भी है। ठीक है, जो आज का जो बिजनेस है जिसके बारे में बात करते हैं वो है हाउ टू स्टार्ट वेंडिंग मशीन बिजनेस। इसके बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा कि एक जो ये देखा होगा आपने, बल्कि जैसे कि मॉल्स में जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे एक मशीन पड़ी होती है, या आप किसी कैफे में जाते हैं या पिज्जा स्टोर में जाते हैं, एक मशीन पड़ी होती है सामने जिसमें कुछ स्नैक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक की अलग होती है, स्नैक्स की अलग होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई बंदा पैसा डालता है, ठीक है, फिर वो जो जो उसको चीज चाहिए वहां पे एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर लगा होता है, फिर नंबर को क्लिक करता है बंदा, वो फिर वहां से चीज, वो जो चीज होती है फिर नीचे गिरती है, फिर वो उसको मिल जाती है पैसे कट करके। ठीक है ना, एक्चुअली ये मशीन कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं लगा सकता, लगाती हैं, ऐसे हम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि वेंडिंग मशीन परचेज करनी होगी। ठीक है, अभी मुख्तलिफ प्राइसों में पड़ी हुई है, नई पे जाएंगे तो वो 2 लाख से, मतलब 2 लाख से स्टार्ट होती है, फिर जाते जाते कोई 10 लाख या 8 लाख, वो डिपेंड करता है कि साइज पे डिपेंड करता है, फिर वो किस चीज़ की है, कोल्ड ड्रिंक की है, कॉफी की है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ की है और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, हर चीज़ की होती है, कॉफी की अलग होती है, कोल्ड ड्रिंक की अलग होती है, उसके अलावा स्नैक्स की अलग होती है, टॉफीज की अलग होती है, मुख्तलिफ किस्म की होती है। अब मसला ये आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करें या नहीं करें। ठीक है ना, अब ये तो स्टार्ट, अब मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि स्टार्टअप नहीं करो, ठीक है, एक्चुअली मैं ये खुद कर चुका हूँ बिजनेस, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि लोगों का क्या एक्सपीरियंसेस है या क्या लोगों ने कितना बनाया है कितना नहीं बनाया, वो तो अलग अलग बंदों की अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, ये डिपेंड करता है कि काम कितना अच्छा, कोई क्या क्या डिपेंड करता है कि लोकेशंस भी डिपेंड करता है कि बंदे की कितनी अच्छी लोकेशंस हैं और बंदा कैसे काम कर रहा है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करूंगा जो कि जनरल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने किया कि पहले मशीन ली मुझे तकरीबन ओएलएक्स से पड़ी मशीन कोई 1 लाख के अंदर पड़ गई थी मुझे, तकरीबन 90 लाख, 90 हज़ार के अंदर मैंने वो मशीन ली। ठीक है, फिर मैं गया लोकेशन ढूंढने, हालांकि मुझे ये करना चाहिए था कि पहले लोकेशन सर्च करनी चाहिए थी, उसके बाद मैं मशीन की तरफ जाता, बट मैंने क्या किया, मैंने पहले मशीन खरीद के रख ली, उसके बाद मैं लोकेशन की तरफ गया। अब मसला ये आ रहा था वहां पे कि मुझे लोकेशन मिल नहीं रही थी, मैं मॉल्स में गया, मैं कॉफी शॉप्स में गया, मैं जो फास्ट फूड होते हैं वहाँ गया, मैं तकरीबन हर जगह गया, अपना क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे देखा यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, रश ज्यादा है, सैलून्स में गया, हर जगह, बट मुझे इतना, मतलब वो लोगों के पास जाके फिर जाके कोई एक हाँ करता था, वरना नो 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 यही आ जाते। तो मैंने फाइनली एक जगह सेलेक्ट की, वहां पे वो मशीन लगाई, मैंने स्नैक्स की मशीन ली थी, सस्ती पड़ रही थी। ठीक है, वो मशीन लगाई मैंने, फिर मैं इम्तियाज स्टोर गया, वहां से कुछ चीजें ली, हालांकि मुझे वहां से नहीं लेनी चाहिए थी, आपको उससे सस्ती जो सदर में क्या कहते हैं उसको बोल्टन मार्केट से मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर मैंने इम्तियाज से ली थी बहरहाल, फिर मैंने उसको इन्वेंट्री डाली वहां पे, फिर उसके पे मैंने प्राइस सेट की, हर चीज सेट की, साफ सुथरा रखा, और मैंने वहां पे रख दी वो। अब हुआ क्या, जैसे कि हफ्ते के बाद गया मैं, ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या मिलता है, क्या कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद मेरी इन्वेंट्री तकरीबन कोई हाफ ही बची होगी। ठीक है, तो मैंने सोचा वाह अच्छी बिक्री हो रही है, मजा आ रहा है,
जैसे मैंने उसको खोला तो देखा कि पैसा ही नहीं। अब बताओ पैसा नहीं, मैं परेशान हूँ कि पैसा गया था। फिर मैंने ध्यान दिया कि उसका लोग ही टूटा हुआ है भाई, लोग खराब था। फिर मैंने उसका लोग बनवाया, वो भी कुछ पड़ गया था 2-3 हज़ार का, वो मैंने लोग बनवाया। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस नहीं करो, मैं ये कह रहा हूँ कि पोन एंड कॉन्स, ये प्रो एंड कॉन्स क्या है इसके। ये जो देखें लोग जो होता है ना उसको लोग, ठीक है लोग, वो आपने देखना जरूरी है कि वो लोग सही होना चाहिए। सबसे पहले आती है आपकी लोकेशन। लोकेशन ऐसी देखो, देख कमाने के लिए तो आप इसमें 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख महीने का कमा सकते हो, 3 लाख भी कमा सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। जितने ज्यादा मशीन लगाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। बट जब आप मशीन लगाते हो ना, इसमें एक लेबर आ जाती है, यहाँ पे पैसिव इनकम बोल सकते हैं, क्योंकि जब सो रहे हैं तभी भी अगर कोई खरीद रहा है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं, तो उसको हाफ इनकम कह सकते हैं। बट अगर अच्छी लोकेशंस हो तभी जाकर आपकी बिक्री होगी। अच्छी लोकेशन चाहिए कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें इन्वेंट्री फिल करनी पड़ती है, आपको हर हफ्ते जाना पड़ता है इसको इन्वेंट्री देखने के लिए, इन्वेंट्री कितनी बची हुई है। फिर इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री आप देख रहे कम है तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है, इन्वेंट्री फिल करनी पड़ती है, और दोबारा ये प्रोसेस चलता रहता है, तो ये एक लेबर वर्क में आ जाता है। उसके बाद छोटे भी मसले, जैसे मेरा लोग का मसला हो गया। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मशीन क्या साफ सुथरी है, नहीं कैसे वर्क करती है, कुछ पेट्रोल पेट्रोल पे चलती है या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है या किसी और चीज़ पे चलती है, तो वो भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप इस मशीन का बिजनेस कर सकते हो। हालांकि पाकिस्तान में वो पता ही है, अगर आप बाहर रखोगे तो चोरी हो जाएगी। बाहर कभी नहीं रखना, हमेशा मॉल के अंदर होनी चाहिए, या तो किसी क्या कहते हैं कि शॉप्स के अंदर होनी चाहिए, बंगलोस के अंदर शॉप के अंदर होनी चाहिए, क्या कहते हैं कि जो सैलून्स हैं, मतलब कोई भी 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए आपकी मशीन, तभी आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं उस मशीन पे। बहरहाल देखें बिजनेस तो अच्छा है, बट इसमें थोड़े मसले भी हैं। आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते, मीन्स के 3 मशीनों के आगे जाएंगे तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपको हर वीक चेक करना पड़ेगा सब मशीन को कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है, और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि मसले हैं इस चीज के। तो मेरे लिहाज से ये वेंडिंग मशीन पाकिस्तान में ज्यादा मजे की नहीं रहेगी। अच्छा, इसका इसका जो है मेन पॉइंट सिनाक जो है ना, आप आपने एक लोकेशन जब सिलेक्ट करने जाए ना, आप मशीन वहां नहीं लगाएं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जा सकती है, आप मशीन वहां लगाएं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन लगनी चाहिए। यहाँ पे बंदा, जैसे कि जब गर्मी है बंदा प्यासा है तो वो ड्रिंक ही लेगा ना, ठीक है, वो मशीन स्नैक थोड़ी लेगा। तो आपने ये चीज ध्यान में रखी, लोकेशन इज मैटर। आज ये बिजनेस लोकेशन का है, यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी आपको वही चीज मिलेगी। अच्छा, ये कम्प्लीटली पैसिव इनकम नहीं है, हाफ पैसिव इनकम है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेबर लगती है आपकी। अच्छा, अब कमाने की बारी आई तो इसमें आप 1 लाख तक कमा सकते हैं, ठीक है, पर इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। अब ये मैं डिस्करेज नहीं कर रहा आपको, बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उसके पीछे ये सच्चाई है, ठीक है ना। मैं खुद काम कर चुका हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बंदे लोग होते हैं ना, लोग बंदा वो भी तक तोड़ के चला जाता है। वो आपको सही लोग सही रखना पड़ेगा, और ओनली कैश पे काम करना पड़ेगा आप। और जब आप थोड़ा पैसा हो जाए तो उसको फिर कार्ड पे भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस, एक तो मशीन इतनी भारी होती है, उसको यहाँ वाले जाना वो अलग मसला है। अगर वो बंदा कहता है कि भाई यहाँ नहीं रखो, लेके जाओ कहीं पे, तो फिर वो अलग मसला है, फिर घर लेके जाओ उसको। अगर कोई और लोकेशन नहीं है आपके पास तो उसको फिर घर लेके आओ, फिर कहीं वो लेके जाओ, तो इसके मसले मसाइल बहुत हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर कोई रिक्वेस्ट हो आपकी तो मुझे नीचे भेज दो, कॉमेंट्स में लिख दो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं कि बिजनेस, ये भी एक बिजनेस आइडिया था, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मर्जी है। वैसे तो बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक, कमाने पे आया तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये। 3 लाख आराम से आप इसमें कमा, 3 मशीन लगा लो, 3 लाख आराम से आपके महीने आ जाएंगे, मंथली आएंगे। बट फिर वही बात, हर चीज मैटर करती है, जब आप उसको काम को सही तरह करोगे वो काम सही तरह ही होगा,
ठीक है, लोकेशन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है, लोकेशन देख लेना लगाने से पहले, मशीन खरीदने पैसे पहले लोकेशन देख लेना आप। ठीक है, तो आपको सब भी दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।